है दोस्तों, so we move on to the vector triple product, ठीक है। Now what is the vector triple product? मान लो A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर जो है वो हमारा तीन वेक्टर्स है। देन आउट ऑफ मेनी पॉसिबल वेज A क्रॉस B क्रॉस C एक टाइप ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी यहां पर हमारा दो बार जो है वो क्रॉस है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानना है, वो है A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल्स टू A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B इंटू C वेक्टर। A क्रॉस B क्रॉस C इज A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। This has to be remembered. And now we are going to prove it. हम किस तरीके से ये वाले नतीजे पे पहुंचे उसके बारे में देखते हैं। Let's see. अच्छा, try to understand B vector cross C vector is perpendicular to the plane containing B vector and C vector. B vector cross C vector is perpendicular to the plane containing B vector and C vector. ठीक है, so ये वाला जो वेक्टर है वो हमारा, मान लो ये वाला वेक्टर जो है, तो B cross C जो है that is equals to some constant K into n cap. So A cross n cap is perpendicular to both A vector and n cap, और n cap जो है वो खुद हमारा B और C के containing plane के perpendicular है, so perpendicular के perpendicular will make it in the same plane, तो obvious सी बात है A vector cross n cap will be in the plane of B vector and C vector. A vector cross n cap जो होगा वो हमारा B और C का जो प्लेन होगा उस वाले प्लेन पे लाई करने वाला है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ इफ वी सी, तो A वेक्टर डॉट B क्रॉस C के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि वो B और C का प्लेन पे कंटेन करता है, so that will be equals to lambda B vector plus a mu C vector. Lambda and mu are two constant, sorry, lambda and mu are two constants that has to be obtained. So दोस्तों ध्यान देना, हमने ये चीज तो यहां तक पहुंच गए जो A क्रॉस B क्रॉस C will be equals to lambda B vector plus mu C vector. अब ये वाला वेक्टर जो है वो हमारा A के परपेंडिकुलर है, तो टेक डॉट विथ रेस्पेक्ट टू A, और A के रेस्पेक्ट में जैसे ही डॉट लूंगा लेफ्ट हैंड साइड मेरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा A डॉट B प्लस म्यू A डॉट C. जीरो विल बी इक्वल्स टू लैम्डा A डॉट B प्लस म्यू A डॉट C. सो व्हाट आई कैन से इज लैम्डा इंटू A डॉट B is equals to minus mu A dot C. यानी वी कैन ऑल्सो राइट एज लैम्डा बाई ए डॉट सी विल बी म्यू बाई माइनस ए डॉट बी and say that is some constant k. So यहां से मेरे पास जो आ जाएगा that is a cross b cross c is equals to k into a dot c, k into a dot c b vector minus k into a dot b c vector. अच्छा, now obviously it is an identity. It is an identity. तो ये अगर हमारा आइडेंटिटी है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हर एबीसी के लिए वैलिड है, तो एबीसी का कोई स्पेशल केस ले लूंगा तो उसके लिए भी तो वैलिड होगा ही होगा. तो लेट्स टेक ए वेक्टर को मैंने ले लिया आई कैप, बी वेक्टर को हमने ले लिए जे कैप और सी वेक्टर को ले लिए वापस आई कैप. अच्छा, अब सी को के मत ले लेना, फिर 0 पहुंच जाओगे. यहां पे अगर मैं के ले लेता हूं तो जे क्रॉस के जो है वो आई हो जाएगा और फिर आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी हमारा 0 हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो आई जे क्रॉस आई विल बी के इंटू आई डॉट जे, सॉरी आई डॉट आई जे कैप आई डॉट जे I cap. Now J cross I is nothing but minus K. So minus I cross K. ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. So I cross K is minus J, minus minus will make it plus. तो k जो आ जाएगा that will be equals to 1. ठीक है. So simply जो हमारे पास आ जाएगा that is a cross b cross c. k का वैल्यू 1 हमारे पास आ चुका है, तो the corresponding identity will be minus a dot c. Sorry, A dot B, C vector. So this will give me the vector triple product as shown. उम्मीद है हमें ये समझ में आ चुका है. ठीक है. I hope this one is perfectly understood. अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें. पहला प्रॉपर्टी, जो अगर हमारे पास ये वाला हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लोग इसके लिए भी यानी ऑब्वियसली बात है ध्यान देना दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. पहली बात तो ये वाले बात पे ध्यान देना क्योंकि ये जो है वो हमारा ए और बी वाले प्लेन पे एक वेक्टर होगा, ये हमारा बी और सी वाले प्लेन पे एक वेक्टर है. ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल तो हमारा हो ही नहीं सकता है. अगर मान लो ब्रैकेट हमारा पहले है तो हम हैंडल कैसे करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ध्यान देना, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी. ब्रैकेट को बाद में ले जाने के लिए आगे एक माइनस करना पड़ेगा और ये माइनस को अंदर डाल दो और ये वाला क्रॉस को वापस इंटरचेंज कर दो. तो दिस विल बी सी क्रॉस बी क्रॉस ए. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सी डॉट ए बी वेक्टर सी डॉट बी ए वेक्टर. मैं इसको अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करने बोलता हूं, बस ध्यान रखना ब्रैकेट अगर पहले है तो पहले माइनस लगा के ब्रैकेट को पीछे ले जाओ और फिर माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल दो और वो वाला क्रॉस को जो है वो हमारा इंटरचेंज कर दो। दैट इज अ सिंपल टेक्निक। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमारा कम्यूटेटिव जो है वो किसी भी हालत पर नहीं है, ठीक है। इसका और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही मैं कराने वाला हूं, वो है बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जो आएगा वो हमारा बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर के इक्वल आने वाली है, ठीक है। कैसे, व्हाट इज द प्रूफ, ध्यान देना। हमारे पास आएगा मान लो है बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। पहले ये तो हम निकाले, पहले ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको मैं मान लेता हूं कोई एक U वेक्टर। ये वाला बॉक्स निकालने के लिए पहले वो वाला क्रॉस तुम्हें चाहिए होगी, तो इसको मैं U वेक्टर मान लेता हूं। तो U वेक्टर क्रॉस C वेक्टर A वेक्टर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू U डॉट A C वेक्टर U डॉट C A वेक्टर। ना ध्यान देना, तो ये मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी, यू को अब मैं लिख देता हूं बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बॉक्स के अंदर दो क्वांटिटी सेम हो गया तो ये वाला क्वांटिटी तो हमारा जीरो है, तो ये जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बॉक्स बी सी ए इंटू सी वेक्टर। नाउ बी सी ए इज नथिंग बट एबीसी, वो हम पहले से ही जानते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी सी इंटू सी वेक्टर। और अब जो है हमें वो ए क्रॉस बी के साथ डॉट लेना है, ए क्रॉस बी डॉट बॉक्स एबीसी सी वेक्टर, बॉक्स एबीसी बाहर और यहां पर आ जाएगा C डॉट A क्रॉस B। नाउ C डॉट A क्रॉस B इज नथिंग बट वी नो बॉक्स CBA, और इस पे अगर हम ध्यान दें दिस CAB आ गया बॉक्स में, एंड CAB इज नथिंग बट अगेन बॉक्स ABC, तो दिस क्वांटिटी विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें, सो दिस विल कम आउट टू बी, ये डिटर्मिनेंट याद रखना, ये हमारा काम आता है, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी। पहले लाइन पे ये आएगा, फिर अगले लाइन पे B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, और फिर अगले लाइन पे C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C, ठीक है, राइट। अच्छा, एक बात ध्यान देना, और if A vector, B vector, C vector are three non-coplanar vectors, if A vector, B vector, C vector are three non-coplanar vectors, तो अगर तीन non-coplanar vector है तो डेफिनेट सी बात है इनके सहारे मैं हमेशा एक पैरेललोपाइड बना पाऊंगा, तो दैट विल इंप्लाई जो हमारा बॉक्स एबीसी है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। सो दैट विल इंप्लाई A क्रॉस B, C क्रॉस A। अगर बॉक्स एबीसी 0 नहीं है तो उसका होल स्क्वायर भी 0 नहीं है, तो ये वाला जो होगा ये भी हमारा 0 नहीं होगा, तो दैट विल सिंपली इंप्लाई A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A आर ऑल्सो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। दोस्तों दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमें फिजिक्स में बेसिकली ये फॉर्मूला का ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसके अलावा और कोई चीज की रिक्वायरमेंट हमारा नहीं होने वाली है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ मैथ्स में बहुत कुछ करने वाले हो, बट फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना जो प्रॉपर्टी है ये हमारा लिए काफी है, इसके आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। विद दिस वी फिनिश ऑफ द चैप्टर वेक्टर। ओके।